मैं टंकी इसलिए धो रही थी, मैंने बोला कभी जो भी बैठेंगे यहाँ पे बारिश में एंजॉय करेंगे और आतिफ वीडियो बनाता रहेगा। और आतिफ के पापा जो है गाड़ी यहाँ पे खड़ी करके खुद गए मैं पहली वाली के घर। मैंने अक्सर आजमाया कि ओलिक साहब जी ना सिर्फ कमेंट रीड करते, उनको वीडियो से कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैं वीडियो में अपने दिल की बात बोल देती हूँ। सही करती हूँ क्या करती हूँ? और अभी आतिफ को मैंने कब से बिजी करा हुआ है कैमरा पकड़ा के, है ना? ना मजे करते हैं और मैं क्यों कैमरा मैन बनाया रखा है। आतिफ बोलते हैं अम्मा जी स्टैंड पे लगा, बोलते नहीं स्टैंड पे जो है ना लगा के वो एकदम कैमरा ऑफ हो जाएगा तो मैं आतिफ के हाथ में पकड़ा देती हूँ। अच्छा करती हूँ। ये तो मैं गलत बात होती है अंकल, आप मेरी शक्ल देख लेंगे तरसाते हैं तरसते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा सब कुछ है। इधर कमल घुमा रहा है, अब हम इसको घुमा रहे हैं। वाह अंकल बादल, आतिफ कैमरा देख ना एक जगह पे टिक जाओ, समझ आई? वो देख ना बादल तो सही आ रहे ना, वो देख वो देख। रात को होगी भाई, होती है लेकिन रात को बहुत तेज मजे वाली बारिश होती है, लेकिन रात को बारिश में नहाने में डर लगता है। बिजली चमक रही थी ना, ऐसा लगता है ऊपर से बिजली आके गिरी। और यहाँ खुली जगह है ना, यहाँ पे ऐसे ही बिजली चमकती है, बिल्कुल ऐसा लगता है फिल्म का सीन है। मम्मा फिल्मी सीन बहुत बताती है। वो बादलों की आवाज भी आ रही। अभी फिलहाल रुक गई बारिश। ये देखो कितना प्यारा बबू तोले का पौधा है, ये बड़ा पत्ते वाला है, वरना तो वो जो बाहर जाते हैं ना वो छोटे पत्ते वाले। ये पूरा जड़ से काट दिया था इसको, ये फिर उग गया। पता नहीं क्या मतलब है। दोबारा इसी जगह पे बबू तोला आके गिरा होगा ना, वही वो जो बाल नहीं आते कोरोना वायरस की तरह जो थे। यातिफ ने सही नाम रखा होगा। कशिश आप क्या बोलना चाहेंगी इस मसले के अंदर? इस मसले के अंदर कि यातिफ ने नाम रखा हुआ है बबू तोला, क्या व्हाट इज बबू तोला? वॉट इज बबू तोला, क्योंकि मेरे पापा की पंजाबी जबान है ना, मेरी भी है, मैं एक बात कर रही हूँ। हमारी पंजाबी जबान में इस पौधे के जो अंदर से फूल निकलते हैं ना उसको हम लोग बबू तोला बोलते हैं पंजाबी जबान में। मम्मा को तो नहीं पता ना? मुझे नहीं पता, मैं जब शादी होके आई थी तो पता नहीं क्या ये बच्चे मलिक साहब के जो पहले वाले बच्चे वो छोटे छोटे थे उस टाइम पे, ये लोग तो थे उधर से उड़ता हुआ आया, बोले बबू तोला में देख लिया क्या आया बबू तोला। क्योंकि मैंने तो ये नाम फर्स्ट टाइम सुना था, बाद में मैंने मलिक साहब को बोला व्हाट इज बबू तोला, उन्होंने बोला बबू तोला वो होता है जो फूल की तरह होता है खिलता, तो मेरे पास नाम तो अच्छा रखो कम से कम। चलो अभी बादल गरज रहे हैं और हवा बहुत प्यारी सी ठंडी ठंडी चल रही है, लेकिन बारिश रुक गई। हम लोग शौक से आए थे, हमने बोला बारिश की वीडियो बनाएंगे, खड़े हुए हल्की सी बनी क्या हम लोग फिटकारे। अल्लाह ताला से दुआ करो हो जाएगी बच्चे, अल्लाह ताला से दुआ करो हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, तो वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा बारिश तो रुक गई है, सही। तो फिर आप लोगों को ये हमारी छोटी सी बारिश की, ज़्यादा तो ये थोड़ी सी बारिश की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, और हमें दुआ में हमेशा याद रखना इंशाल्लाह। और कब से कैमरा मैन बना हुआ है?
उसके लिए भी कमेंट में कुछ भेजना कि हम लोग उसके साथ अच्छा कर रहे हैं गलत। अंकल अगर आपने मेरे लिए कुछ गलत बोला ना, खैर नहीं है। नहीं आतिफ के लिए जो आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हो, मैंने आतिफ को पढ़वाए थे सारे, तो आतिफ वो पढ़ के खुश हो रहा था। बहरहाल हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। आप सब अपना अपना बहुत ख्याल रखना और दुआओं में हम सबको याद रखना। तो अब हम, मैं, कशिश और आतिफ आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप हम तीनों को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। हमारा अल्लाह हाफिज एक दफा नहीं होता, बार बार होता है, आप लोगों ने खुद भी देखा होगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।